आदरणीय प्रांगण में बैठे हुए सभी श्रोता बंधु, दूर दराज से पधारे हुए सभी क्षेत्रवासी, मातृशक्ति मेरी माताएं बहने, एक बार सभी के श्री चरणों में मैं छोटा सा कलाकार प्रहलाद चौधरी की ओर से सभी को मेरा प्यार भरा नमामि नमस्कार। राम राम साहब, वास्तव में गाना बजाना ये एक उच्च कोटि की कला है। समय 20 मिनट और काम बहुत ज्यादा। भजनलाल जी, कवि ने चालान में बड़ी सुंदर बात कह डाली है, ये मनुष्य अपने दिल में न जाने कितना अहम कितना गरूर लिए बैठा है। हर आदमी ये सोचता है कि जो भी कुछ हूं वो मैं हूं। थोड़ी शांति बनाए। कवि ने वो चालान बड़ी सुंदर कही है, किसी ने सोचा कि हम खुद बादशाह बन जाएंगे, मगर ये किसी ने न सोचा इस जीवन की क्या औकात है। चार दिन की चांदनी बाबा फेरी अंधेरी रात है। ये बात तो वास्तव में बात बिल्कुल सही कही हमारे एलानसर साहब ने। बहुत दिनों के बाद में इस बस्ती के दर्शन मुझे करने को मिल रहे हैं। वैसे तो बड़े बड़े कलाकार आपके बस्ती में आते हैं, हम तो छोटे से ही हैं, और छोटे तभी नंबर हमारा आता नहीं है। कोई बात नहीं, अब की बार नंबर आया है। झिकड़ी की शुरुआत कलाकार बंधु साखी से कर रहे हैं। भजनलाल जी, देखिए हम भी आपको साखी सुनाएंगे, लेकिन हर कलाकार की क्वालिटी अलग अलग है और क्वालिटी की बात अलग होती है। साखी पेश करूंगा, आध्यात्मिक होगी, सुनिए क्या है। चलो बेदर्दी जब ये प्राण निकल करके इस काया से जाते हैं तो ये काया क्या कहती है। बहुत अच्छा बेटा, चलो बेदर्दी कंचन दे हरे रोई रोई की अरे सीखे
त्यागी रही ने त्यागी रही ने हरे हृदय में धक धक है दामोदरी रसिया, जिसको भरतपुर का रसिया भी कहते हैं। भजनलाल जी, एक झलक मैं भी कहूंगा। आशीर्वाद हमारे अंकल जी ने दिया और 101 रुपए का आशीर्वाद बड़े भाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करूंगा। 101 रुपए हमारे माननीय अतिथिगण जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे गणमान्य व्यक्ति जो स्टेज पर विराजमान हैं वो हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे बुद्धिराम पांडे जी जो हमारे बहुत ही पुराने चाहने वाले हैं। भजनलाल भैया, सब लोगों से आशीर्वाद की कामना करता रहूंगा। कोई प्रसंग ऐसा शेष नहीं है जो आपने 10-20 बार नहीं सुना हो, लेकिन कवि ने चालान बड़ी सुंदर कही है। वो क्या कहा, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते और आते ही नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागा कौन रखी है, वरना पड़ोसी भी यहाँ आग बुझाने नहीं आते। वाह बेटा, ध्यान को लगाएं। आज जैसे हमारी ये सभा यहाँ बैठी है, हमारी महफिलियां जुड़ी है। एक बार की बात थी, पांडवों का दरबार लगा हुआ था, देश देश के राजा वहां पर विराजमान थे। सभा को संबोधित कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर। उस सभा में अर्जुन भी बैठा है। अर्जुन खड़ा हो गया, खड़े होकर के भाई धर्मराज से बोला, भैया अगर मुझे आपकी आज्ञा मिल जाए तो मेरा मन आज ऐसा कर रहा है मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाऊं। धर्मराज ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी आज्ञा है। अर्जुन तू जा सकता है। अर्जुन ने गांडीव को उठा लिया, एक बियावान जंगल में पहुंच गया। पूरा दिन हो गया शिकार खेलते खेलते, लेकिन अर्जुन के हाथों में कोई शिकार नहीं लगी। पूरा दिन हो गया, प्यास के मारे गला सूख रहा है, अब तो पानी की तलाश में घूम रहा है अर्जुन। और चलते चलते एक सरोवर के किनारे पर पहुंच गया। आदरणीय सज्जनों, जैसे ही सरोवर के नजदीक आया, अर्जुन को एक अद्भुत चीज दिखाई पड़ी। हीरे मोतियों से जड़ित एक सोने का कंगन पड़ा हुआ है। कंगन को देखा, विचार करता है, कंगन लिया, उठा पार्थनी, जा में जड़ रहे रतन सितारे ही, और ऐसा कंगन कबू न देखो या कंगन के काम तारे हैं। लेके कंगन चल दिया पारत, फिर लौट महल में आया और द्रौपदी को वो कंगन खा। द्रौपदी के लिए ला करके उस कंगन को दे दिया भजनलाल जी। द्रौपदी ने देखा, कंगन बहुत सुंदर है, कहां से लेकर के आयो अर्जुन, बड़ी कठिनाइयों से मिला है भगवान। द्रौपदी बोली, तो सुनिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। क्या कह रही है भैया, जोड़ा लाए दे
सुना। मैं इकली तुम पांच जने ये काम न तुम कुमार में पहुंची। युधिष्ठिर ने भी मना कर दिया। नकुल और सहदेव के पास में गई, उन्होंने भी मना कर दिया। अब रे कौन गया? बलि भीम। द्रौपदी जानती थी मेरे इसको कार्यक्रम करने वाला मेरा पति भीमसेन है। बलि भीम के पास में पहुंच गई। भजनलाल जी क्या कह रही है? आ,
सुन भीम सेन बलवान, आंखों में आंसू को लेकर के भीम के पास में गई। भीम उस समय सेन कक्ष में सोए हुए थे। सुन भीम सेन बलवान, द्रौपदी आज बोली बानी, अरे गंगा गंगा जमुना की सिधार द्रगन से पहरा पानी। ध्यान से ओ भैया, अरे ध्यान से भीमा सुन लीजिए, मिले की आई आस आस मेरी पूरी कर दीजिए। क्या सा है चार तो नाट के मोटे, तुम्हारे चार भाइयों ने मना कर दिया है चार तो, और इसी बीच एक सैक रुपए का आशीर्वाद बड़े भाई दे रहे हैं, और एक सैक रुपए का आशीर्वाद बड़े भैया ने दिया आशीर्वाद की कामना करते हुए। चार तो नाट गए मोटे, मेरा दिल में बड़ा मलाल की धार निकल रही है। भीम खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बोला, द्रौपदी मैं सारी बात सहन कर सकता हूं लेकिन तेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगा। बोल क्या बात है, रो क्यों रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, त्रिया चरित्र बना रही है, कंगन को सामने कर दिया, लो इस कंगन का जोड़ा मुझे आपके द्वारा चाहिए, तुम्हारे चार भाइयों ने तो मुझसे मना कर दिया है। भीम बोला, तेरे सामने बलि भीम खड़ा हुआ है, एक नहीं एक हजार ला करके दे दूंगा, तेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सुनिए, उड़ान के माध्यम से बलि भीम भजनलाल जी क्या बोले, ओ या कंगन को जोड़ा मिटा डंगो, बहुत अच्छा भैया। वास्तव में बहुत ही पुराने श्रोता है और लगभग मुझे 35 साल हो गए गाते गाते, 35 साल में से ज्यादा नहीं 15 साल तो यहां मैंने इन लोगों के दर्शन जरूर किए, 15 साल इस स्टेज का मैं कलाकार भी रहा। ये जो उड़ान में गा रहा हूं, जिकड़ी का टर्निंग पॉइंट होता है उड़ान, ये उड़ान की तर्ज आप लोगों की जानी पहचानी है। इस तर्ज को सर्वप्रथम एक बंबई के बहुत बड़ा मशहूर कलाकार ने गाया था, जिनका
जिनका नाम था रविंद्र जैन। टीवी पर जब रामायण आती थी ना, टीवी सीरियल पर रामायण में उन्होंने गीत गाया, और भजन लाल भैया क्या गाया था, ओ मैया तेने हो खटीली तेने, अरे निगोडी तेने काथानी, मन में हो राम सिया भेज तेरी। गाने में भी अंतर होता है, गाना मेरा उस समय का है, महाभारत की दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई, कौरवों की तरफ से कर्ण सेनापति बन करके आया। कन्हैया जानते हैं आज अर्जुन का बचना बड़ी मुश्किल बात हो गई, लेकिन इसको बचाना मेरा फर्ज है। जैसे ही कर्ण ने अपने रथ को आगे की ओर बढ़ाया, आदरणीय सज्जनों, अचानक कर्ण का रथ का पहिया जमीन में समा गया। अर्जुन से कन्हैया बोले, अर्जुन तेरे लिए सुंदर मौका आया है, जल्दी से धनुष पर बाण को चढ़ा दे और दुश्मन का खात्मा कर डाल। जैसे ही अर्जुन ने बाण को चढ़ाया, कर्ण ने हाथ को ऊपर खड़ा कर दिया, बोला अर्जुन तुझे धर्म की दुआई है, बार मत छोड़ देना, क्योंकि मैं इस समय परेशानी में हूं और मैं नेता भी हूं, और नेते पर वार करना ये एक योद्धा की पहचान नहीं, छत्री की पहचान नहीं, ये तो मैं भी जानता हूं तू कितना बड़ा वीर है। कर्ण अपनी ओर से अर्जुन को जवाब पेश कर रहा है। फिल्मी दुनिया वालों ने बड़ी सुंदर सी प्यारी सी धुन आपके बीच में भेजी। भजनलाल भैया पहले वो धुन सुनिएगा क्या कहती है। तू ही मेरी पहली ख्वाहिशी और तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी। ये तो फिल्म वाले कह रहे हैं, लेकिन कलम वाले क्या कह रहे हैं। कर्ण बोला अर्जुन तू क्या महारथी है, तुझको बचाने वाला, तुझको बचाने वाला वो तेरा सारथी है।
हाथी तेरी रक्षा करे तो नहीं रक्षक तेरे, तू तो शरणारथी है। आशीर्वाद हमारे गणमान्य महोदय जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। करण ने यह भी कहा, सारी बातों को जानता हूं, तू वीर तो है लेकिन मेरी नजरों में वीर नहीं हो सकता। तेरे पास में जो गांडी बेरा उसका बहुत बड़ा इंकार है तुझको। अरे मानक तरकस में, ओ मानक तरकस में तेरे हर पान होगा, गांडी बुधन सुखा तुझको अभिमान हो। नाम है भूपेंद्र शर्मा मालोनी। देखो बे, समस्तपुर मालोनी के हम पूरा मालोनी के, बहुत बड़ा अंतर है। उनको गांव पर है भरतपुर की बगल में, और भजनलाल भैया हमारो गांव पर है रूपास तहसील में। लेकिन कोई बात नहीं है, दोनों का एक ही सेटिंग और मैचिंग है, और रिश्ते में दो साड़ू साड़ू हो रहे, ये भी और चक्कर है। कोई बात नहीं, सुनेंगे, अच्छी बात है भैया। अंतिम बात कह रहा था अर्जुन, मैं ये भी जानता हूं जब तक ये मुरली मनोहर तेरे रथ पर बैठा है ना, तेरा कोई पालवा का नहीं कर सकता, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अन्याय तेरे संग में, अन्याय तेरे संग में होने न देंगे, अर्जुन कन्हैया तुझको मरने न, ओ अर्जुन कन्हैया तुझको मरने न देंगे। क्या कहने बेटा, गाना तो समापन हो गया है, पूरी रात्रि भर ये ज्ञान की चर्चा चलेगी। अच्छे अच्छे कलाकार अभी और भी आएंगे, उनके लिए एक तोहफा दे रहा हूं, एक छोटी सी बात छोड़ रहा हूं, उस बात पर आप लोग भी विचार करेंगे। और फिल्मी दुनिया वाले लिख रहे हैं, भैया ए हवा मुझे ये पता, अरे ए हवा मुझे ये पता, क्या तुझको ये है पता। बहुत अच्छी है। अब कबरस जो बरसेगा, और इसी बीच पहले भी दिए भैया ने आशीर्वाद हमारे जगराम मार साहब के सुपुत्र साहब छोटे वाले, और एक सैक रुपए का आशीर्वाद हमारे बुद्धिराम पांडे जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सैक रुपए का आशीर्वाद हमारे नेताजी ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब का बरस जो बरस
कैसा भी हो मेरा साधन कैसा होगा, साबन जैसा भी हो मेरा। बहुत अच्छे। अब देखो एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं, और वो प्रश्न क्या होगा? ना ये नंगा नाथ ये ढंगा साथ, ना ये नंगा नाथ ये ढंगा साथ, और ब्रज के अंदर गंगा पास। अरे ब्रज के अंदर गंगा पास, कितनी गंगा है? पास। ब्रज के अंदर पास है गंगा, तू नाम खोज के लाना। कौन सी गंगा का परे हम जगह सहित समझाना, कौन सी गंगा का परे हम। अरे जग में पावन ज्ञान सी गंगा, जिसको गंगा माँ कहते हैं सब लोग जो हिंदुओं की माँ है। अरे जग में पावन ज्ञान सी गंगा, गोवर्धन में मान सी गंगा। एक गंगा मैंने बतला दी है जो गोवर्धन में, चार गंगाओं को खोज कर लाएंगे। अरे गोवर्धन में मान सी गंगा, अगर हो कोई मुंह छनवारो गंगा खोज के लियो चारो। अरे अगर हो कोई मुंह छनवारो गंगा खोज के लियो चारो। क्या ने गुदड़ी सायर खोलो ना थोते गाल बजाना। क्या बात है। कौन सी गंगा का पर है हमें जगह सहित समझा। बहुत बहुत गुड, माय गुड।